such more inspiring videos and to make your life more meaningful, don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel. गुरु जी, हमें अभी एट प्रेजेंट हमारी लाइफ स्टाइल इतनी ऐसी हो गई है कि जो हमारी इनकम है उससे ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है. तो सेविंग का कॉन्सेप्ट मिडिल क्लास जो है, सेविंग का कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है. तो ये सब तीनों, इनकम भी हो, एक्सपेंडिचर भी बराबर हमारा हो और सेविंग भी हो, वैसे कैसे बैलेंस करें आज के जमाने में? देखो, अभी हमने क्या बताया आपको कि सपोज यू आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, फाइनेंस, मनी एनर्जी, ओके, दैट मींस आपने कुछ गलती की है भूतकाल में जहां पे रोकने की कोशिश की थी, समझ लेना. आज आपके जीवन में शॉर्टेज हुए क्योंकि आपने कहीं रोका था, ब्लॉक कर दिया था उस एनर्जी को. वो ही ब्लॉकेज आपके जीवन में आज आ रहा है. ये आपके पूर्व संस्कार है, पास्ट कर्म, जो आपकी एनर्जी को, फाइनेंस की एनर्जी को, मनी एनर्जी को आने नहीं दे रही है. ये समझ लो आप. तो आपको अगर ज्ञानी का काम करना है, ज्ञान वाला काम करना है, तो आपको उस एनर्जी के ब्लॉकेज को तो खोल देना है. कैसे खोलोगे? ऐसे खोलोगे कि आपके पास 10 रुपया है. सपोज आपका खर्चा है 100 रुपया, आपके पास 10 रुपया है, तो ये ब्लॉकेज जो है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 100 रुपीज. आपके पास कितने हैं? 10 रुपया. तो भगवान कहते हैं स्टार्ट ओपनिंग दैट होल मैन. वो जो आपका ब्लॉकेज है उसमें छेद लगाओ. छेद कैसे लगाओगे? छेद ऐसे लगाओगे कि आपके पास 10 रुपया है ना, उसमें से 1 रुपया देना शुरू कर दो. जैसे आपने 1 रुपया दिया तो एनर्जी आउटगोइंग हो गई. वो आउटगोइंग एनर्जी से आपका जो ब्लॉकेज है उसमें होल आ जाएगा. अच्छा, काणू पड़ी जैसे, अने एमाथी एनर्जी फ्लो थवानी शुरू थशे थोड़ी थोड़ी, धीरे 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 धीरे. That is one spiritual aspect. Okay. Now other aspect, व्यवहारिक aspect, practical aspect. इसमें क्या करना है? इसमें हमने आपको analysis बताई है, जिसके अंदर 66 pages है. That you have to analyze and find your strengths, find your weaknesses. और ये सब करने के लिए आपको सदगुरु की जरूरत है. दूसरी जरूरत है, आपको फाइनेंस एक्सपर्ट की जरूरत है. फाइनेंस एक्सपर्ट, आजकल जो आपको फाइनेंस एक्सपर्ट मिलते हैं वो इन्वेस्टमेंट के मिलते हैं, लेकिन अपना प्रॉब्लम तो ये है, पैसा ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट का कहाँ बात करें, ठीक है. तो हमारी पहली तो हम खाने खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं सेविंग कहाँ से करूँ? बराबर है. तो हमारी समस्या ज्यादा गहरी है. तो उस ज्यादा गहरी को निकालने के लिए 4-5 साल लगेंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा वैसे करना पड़ेगा. तो पहला प्रोसेस ये है कि आपके दिमाग को पहले फ्री करो, फ्री करो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ब्लॉक किया था, वो ब्लॉकेज को तोड़ना पड़ेगा. आपको सब मेरा है करने की आदत थी, उसके लिए आपका सब लॉक हो गया है, लॉक जैम हो गया है, ठीक है. वो लॉक जैम को भी खोलना है. कैसे करोगे? तो भाई मेरे पास जो है 5 रुपया है, तो 50 पैसे में दूसरों को दूंगा बिना कारण, और खुश रहूंगा, खुश बनूंगा उसमें ऑटोमेटिक. तो ये क्या है, आपने एनर्जी ब्लॉकेज को तोड़ना शुरू कर दिया. वो एनर्जी ब्लॉकेज टूटना शुरू कर दिया. आप रोज करोगे ये एक्सरसाइज, धीरे 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 5 साल के अंदर आपके जीवन के अंदर वातावरण, अपॉर्चुनिटीज, और साथ में मैंने ये कहा, ये एक प्रोसेस है ब्लॉकेज को तोड़ने का. दूसरा प्रोसेस है ज्ञान प्रोसेस. ज्ञान प्रोसेस में आपको भगवान के पास बैठकर क्षमा मांगनी है, माफी मांगनी है कि मैंने कहीं गलती की है जिसके कारण मैं इस अवस्था में आ चुका हूं.
अब हे प्रभु मेरे जीवन में मेरे मन वचन काया वाणी वर्तन विचार चित्त मन बुद्धि ये नौ योग को मैं आप बताएं ऐसे चलाऊं और आप मुझे प्रेरित कीजिए उस मार्ग पे सहज चलने के लिए। मैं अपने आप को आपके हवाले समर्पित कर रहा हूं, आत्मसमर्पित कर रहा हूं। ये दूसरा, पहला मैंने क्या कहा वो दान प्रोसेस स्टार्ट गिविंग, सेकंड प्रेयर्स प्रभु कृपा, थर्ड सदगुरु के पास जाओ उसका गाइडेंस लो और वो आपको कैसे इसमें से व्यवहारिक स्वरूप से निकलने का रास्ता बताएंगे। ऐसा करो तो प्रभु कृपा, मंत्र जाप, दान धर्म और ज्ञानी के पास जाकर गाइडेंस लेना। तो फाइनेंस वेलनेस के अंदर, परमसुख विकास जीवन विकास केंद्र के अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था है और वो क्या है, पहला है आपका कैरियर गाइडेंस। आप कैरियर में कहीं फंस गए हो, कोई जॉब में फंस गए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो या आपको जॉब ही नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है आपका इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग नहीं है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आपको बैलेंस करना आता नहीं है या आप मजबूर हो कोई भी कारण से उसका एनालिसिस करना, उसकी आलोचना करनी। तीसरा है टैक्सेशन का प्रॉब्लम, कई बार हम कमाते हैं लेकिन सब सारा टैक्स में चले जाता है, खर्चे में चले जाता है, जेब में कुछ बचता नहीं है। मैंने कई ऐसे छोटे व्यापारियों को देखा है जिसका कुछ बचत होता ही नहीं है, सालों साल खर्चे में चले जाते हैं और टैक्स में चले जाते हैं और खुद के पास बचता नहीं है। तो इसके लिए यू नीड अ फाइनेंशियल गुरु हु कैन गाइड यू फॉर प्रॉपर बिजनेस डेवलपमेंट, प्रॉपर बिजनेस डेवलपमेंट, प्रॉपर कैरियर डेवलपमेंट, प्रॉपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट मैनेजमेंट, प्रॉपर टैक्स मैनेजमेंट एंड अभी इन्वेस्टमेंट की तो बात नहीं कर सकते। तो ये चार एस्पेक्ट में आपको ऐसा गुरु मिले कि जो आपको इस प्रकार हेल्प करे कि आमदनी अठनी खर्चा रुपये में से आमदनी एक रुपया खर्चा रुपया इतना तक तो ला दे, फिर जब आमदनी दो रुपया खर्चा एक रुपया ये आए तब इन्वेस्टमेंट की सोचे। सो इस प्रकार फाइनेंशियल वेलनेस को, फाइनेंशियल हेल्थ को, फाइनेंशियल वेल्थ को कैसे मैनेज किया जाए। अच्छा, दूसरी बार क्या होती है, समझो आपके पास अभी पैसा नहीं है लेकिन आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी एसेट है, तो आजकल बैंक में भी कई सुविधा मिलती है। उसमें आपको मैंने कहा कि फाइनेंशियल एडवाइजर, काउंसलर, गुरु, गाइड बहुत जरूरी है, जो आपको आपको पढ़ेगा, आपको समझेगा, आपको स्टडी करके आपको राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। परमसुख जीवन विकास केंद्र कैन बी वन ऑफ इट। आई इनवाइट यू टू जॉइन दिस परमसुख जीवन विकास केंद्र विच विल गाइड यू थ्रू दिस फाइनेंशियल हेल्थ एंड वेल्थ। वेलकम टू परमसुख जीवन विकास केंद्र। थैंक यू। Fill out the form provided in description box and submit the same to get more information on our free online training workshop. If you have any queries, problems or suggestions, then kindly post them in comment box and receive prompt rewards. To get such more inspiring videos and to make your life more meaningful, don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel.